हाय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम पार्टी मेकअप लुक कर रहे हैं और आज मेरी मॉडल भी चेंज है, तो जी शुरू करते हैं। तो जी क्या किया है मैंने, सबसे पहले फेस को प्राइम कर लिया है, ठीक है। उससे पहले मैंने सनस्क्रीन अप्लाई कर दिया था अपनी मॉडल के फेस पर, उसके बाद मैंने प्राइमर अप्लाई किया है और अब मैं एज़ यूजुअल जैसे हर वीडियो में मैं पहले आईज़ को कंसील कर लेती हूँ, डार्क सर्कल्स को कवर कर लेती हूँ ताकि आराम से मेरी मेकअप लुक जो है आई मेकअप लुक वो अचीव कर पाऊँ, जो मैं डिज़ायर्ड लुक जो हमें चाहिए होती है। शेड्स वगैरह अच्छे से तभी आईज़ के ऊपर दिखाई देते हैं जब आपकी आईज़ जो है वो अच्छे से प्रेप की हुई हो आपने और कंसील की हो। तो ये मैं आईब्रोज़ की शेप ड्रॉ कर रही हूँ। मेरी मॉडल की आईब्रोज़ जो थी वो नीट नहीं थी, टाइडी नहीं हुई हुई थी, तो मैंने जी आईब्रो की पहले शेप ड्रॉ करके, और आजकल क्योंकि थोड़ी सी थिक और चौड़ी आईब्रोज़ ट्रेंडिंग में है, तो मैंने आईब्रो जो है उसकी शेप थोड़ी सी इन्हेंस करके चौड़ी कर दी थी और जो गैप्स थे वो फिल कर दिए थे, और यहाँ पर मैं आईब्रोज़ को नीट कर रही हूँ। तो डिफरेंट मॉडल के ऊपर करने का मकसद ये है कि आप लोगों को डिफरेंट फेस शेप्स, क्योंकि हर एक की फेस शेप डिफरेंट होती है, आईज़ शेप डिफरेंट होती है, तो हर फेस पर मेकअप जो है वो अलग तरीके से होता है। तो मैंने कहा कि आज जो है डिफरेंट फेस होना चाहिए। तो ये जी मैंने आईज़ को नीट कर लिया कंसीलर से, उसके बाद यहाँ पर मैं हाइलाइटर से भी आईज़ के नीचे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ ताकि आईब्रोज थोड़ी और नीट लगे। उसके बाद मैं क्रीज लाइन को डिफ़ाइन कर रही हूँ हल्का सा, मैंने ऑरेंज क्योंकि ड्रेस ऑरेंज था तो मैंने ऑरेंज से डिफ़ाइन किया है, और फिर थोड़ा सा मैरूनिश सा शेड लेके थोड़ा सा लाइट सा मैंने कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो आई के कॉर्नर्स पर ब्लेंड कर लिया, आउटर कॉर्नर्स पर, और यही मैं मेटैलिक गोल्ड सा शेड लेके आई लिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी आईज़ जो हैं वो ओपन लगें। और हाइलाइटर लेके मैं इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ, इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने से आँख खुली खुली लगती है। उसके बाद जी हम यहाँ पर लाइनर लगा रहे हैं, लाइनर अप्लाई कर रहे हैं। लाइनर अप्लाई कर लिया है, लाइनर मैंने थोड़ा सा विंग्ड लाइनर अप्लाई किया है आई की शेप के मुताबिक, ताकि मुझे जो शेप चाहिए थी आँखों की वो हो जाए। तो यहाँ पे मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया, लैशेस अप्लाई कर लूँगी इसके बाद। लाइनर वही मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल के ड्रॉ किया, इससे आँख की शेप थोड़ी सी लंबी हो जाती है, आँख थोड़ी सी इन्हेंस होके बड़ी बड़ी दिखने लग जाती है। मैंने लैशेस अप्लाई कर लिए हैं, उसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे फाउंडेशन मैं अप्लाई कर रही हूँ, कौन सी फाउंडेशन थी, रिदा जैन की फाउंडेशन, रिदा जैन की फाउंडेशन अप्लाई किया मैंने यहाँ पर। बहुत अच्छी फाउंडेशन है और ड्राई स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है, तो क्योंकि मेरी मॉडल की स्किन ड्राई थी तो उसके लिए ये फाउंडेशन जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, उसकी स्किन के ऊपर काफ़ी अच्छी लग रही थी, शाइनी सी। जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो ये यूज़ कर सकते हैं, बड़ी एक शाइनी सी लुक आ जाती है, स्किन बड़ी ज़बरदस्त लगने लग जाती है। उसके बाद जी मैंने जो लोअर लैश लाइन थी आपने देख ही लिया, उसके ऊपर मैंने हल्का सा उसको उसके ऊपर शेड अप्लाई किया था, उसके बाद मस्कारा अप्लाई कर लिया, वही शेड जो मैंने आउटर वी पर अप्लाई किया था, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ग्लिटर ऐड किया आई लिड के ऊपर, इससे आँख थोड़ी सी और खुली खुली लग रही है। और यहाँ पर मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, मेरी मॉडल को फेस पे ज़्यादा कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, जहाँ से मुझे लगता था कॉन्टोर करने वाला, इस चीक बोन उसकी थोड़ी सी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी तो मैंने वहाँ से कॉन्टोर किया था कि फेस ओवरऑल शेप में आ जाए। यहाँ पर मैं नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ, नोज़ की जो ब्रिज है उसको मैं यहाँ पर प्रोमिनेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, और हल्का सा जो है वो उसको कट करके ताकि नोज़ भी हाईलाइट हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए।
और ये मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर मैंने फोरहेड पे अप्लाई किया है, क्यूपिड बो पे और ब्रिज ऑफ द नोज पे मैंने अप्लाई कर लिया। यहाँ पे मैं ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश ऑन मैं यहाँ पर चीक्स पे अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरी मॉडल के चीक्स जो हैं वो थोड़े से प्रोमिनेंट, और हाइलाइटर भी मैं चीक्स पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि चीक्स प्रोमिनेंट लगे, बहुत ज़्यादा फेस जो है वो स्लिम ना लगे, क्योंकि और ऑलरेडी मेरी मॉडल का फेस थोड़ा सा छोटा था तो मैंने उसको इन्हेंस किया। यहाँ पर मैं लिप्स के ऊपर एक रिवाज का पिंक शेड अप्लाई कर रही हूँ। लिप्स पे हमने शेप अप्लाई कर ली और यह है हमारी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। बड़ा शाइनी सा ग्लॉसी सा मेकअप है। लिप्स भी मैंने थोड़े से ग्लॉसी रखे हैं। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।